नहीं एथलेटिक्स के बच्चे कौन थे? आपने वो वहाँ पर खड़े होंगे। एक मिनट, आप अभी तो कह रहे थे उनको लड़कों के जो हमें नहीं पता, आप नहीं मोहित भाई नहीं, अगर आप पे ये लगा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं तो बात क्या हुई है? बात तो इनका कोच साहब और ये है, आपस का ग्राउंड का मैटर है। हमारी लड़ाई है कि आप बताओ को सब एक मिनट नहीं स्पष्ट बात बताओ, आप अगर क्लियर होगी हम अपने पढ़ लेंगे। अब हमारा तो कोई डाउट नहीं है, आप हम थे या लड़ाई में बस बच्चे हमारे क्या हम वीडियो पर हम चलो हम फोटो खींच देते हैं। आप उन बच्चों को भड़का के इकट्ठे करके ग्राउंड के सामने इस बात का पता भी होता है बच्चे ये बच्चे मेरे भैया मैं हम दोनों आप तब कह रहे थे उनको एक बताओ क्या काम है आप फोन पे बात करते हो कह रहे थे यहां से लड़के बुला लो आप ये बताई थी। सुनो आप मैडम इस हाँ ग्राउंड का समय बताता हूँ इनकी भी बोला कि कोच साहब मैंने बोला कि लड़ाई मत करो सतीश को फोन करो आप अपने कोच को फोन करो तो लड़के बुलाने का हमने बुलाया क्या हमने बुलाया है ये फोन है ये आप अगर ऐसी कोई सच्ची बात है तो ये ग्राउंड छोड़ देंगे नहीं मैं छोड़ू मैं तो वैसे ग्राउंड पे नहीं आता मैं तो नहीं एथलेटिक्स के बाकी बच्चे सारे बच्चे यहाँ पर है कोच से बात करो मेरे से मैं तो हुई नहीं यहाँ पर मेरा कोई रोल ही ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरा क्या रोल है मुझे डाउट मत करो मैडम आप बताओ ना आपको किसने डिस्टर्ब करा आपने किया आपने किया हम प्रैक्टिस कर रहे थे हम तो यहाँ पर हमें आपने एकदम बिल्कुल डिस्कशन तो अरे वो लड़की है जो बाहर के मेरे ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहे हो आप क्योंकि आपने बोला था वो सब ये तो देखो बेवजह की बात है देखो मैं छोड़ छोड़ जा आप बोल दो एक बार इनको ऐसी वीडियो बनाए मैं तो बिना मतलब के वीडियो बनाओ तेरा तेरा को भगवान से मेरे फोन में वीडियो बनी तो भगवान ने सुना मेरे फोन ऐसा अगर मेरा फोन था वो मैं नहीं बना रहा वो अंकल आए तो भाई मेरे ऊपर तो करनाल का करण स्टेडियम जहां पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं लेकिन ये अखाड़ा बन जाता है। अखाड़ा एथलेटिक्स के जो तमाम बच्चे थे उनके और फुटबॉल के यानी कि जो यहाँ पर खेलने आए हुए थे उन बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो फुटबॉल यहाँ पर खेलने आते हैं। बेटा क्या बात हुई थी आराम से बताइए आप। सर बात सिर्फ इतनी सी थी बच्चे वहाँ खेल रहे थे हमारा मैच था एक ब्रो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं कॉर्नर पे तो वो कर रहे थे हमने कहा अब हमारा मैच लगे थोड़ा सा आप साइड हो जाओ बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद एक ब्रो आए वो वहाँ पहले उन्होंने उस कॉर्नर पे डिस्कशन की है उस कॉर्नर पे तीन चार बच्चों ने डिस्कशन की है उसके बाद फिर इधर आए हैं फिर उन्होंने आगे सीधे कोच साहब को बोला है मतलब उस फिर उसके दौरान उन्होंने किस बात को लेकर लड़ाई होती है पहले भी लड़ाई हुई है किस बात को लेकर झगड़ा वगैरह या कहा सुनी हुई है या तो वो इसी बात को लेकर करते हैं कि भाई हम ग्राउंड से कैसे बाहर जाए या हम प्रैक्टिस कहाँ करें या हमारी बॉल अब बॉल है देखो बाहर वो खेलते हुए जाएगी जाएगी अब हम रोक तो नहीं सकते उसे अगर हम उसे मारेंगे वो जाएगी तो कई बार ये होता है कि हमारे ट्रैक पे बॉल कैसे आ रही है हमारे बच्चों को बॉल लग रही है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता मतलब बिना तुक्के भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं वो और इस बार भी ऐसा ही हुआ हमने बस आराम से कहा था ब्रो साइड हो जाओ हमारा मैच लगना है बस सिर्फ इतने से क्या हुआ था बेटा आज हुआ क्या था फुटबॉल के और लड़कियों को बुला लो हुआ क्या था बेटा हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे वो ग्राउंड से बॉल आ रही थी तो बॉल बाहर चली गई वो लड़कों को ले आए उन्हें घेर दिया तो फिर उन्होंने लड़कों को बुला लिया नहीं ये अगर कोई बात है तो बताइए ना किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कोच यहाँ पर है बच्चे यहाँ पर है रोजाना यूं बच्चे परेशान होते हैं जी मेरी सुन ये सारे एथलेटिक्स वाले बच्चे हमारे है ना हम यहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारा बच्चा कोई नहीं जिसके साथ कोई झगड़ा हुआ कोई आउटसाइडर है उसका निकाल रहे हैं उनको ले गया रहे हैं ना तो ये जो लड़ाई अगर झगड़ा हुआ है या कहा सुनी हुई है ठीक है लेकिन इससे डिस्कशन करके वो मैं खुद कह रहा हूँ मेरे साथ जो बहस हुई है मैंने बच्चे को बोला बेटे आप बाहर जाओ लेकिन इनसे डिस्कशन करके रोहित सैनी इनसे डिस्कशन करके वो बंदा हमारे से झगड़ा करने आया और उसने पहले थे उनके साथ इंक्लूड थे आप ऐसे मत बोलो मैं तो नहीं था ना ठीक है ना ये सिर्फ पुराने मैं था ही नहीं सबसे ज्यादा झगड़ा इनकी वजह से होता है यहाँ पे आप कोच हैं नहीं मैं सीनियर प्लेयर हूँ सोनू ठीक है फुटबॉल के हाँ जी सर क्या किस बात को लेकर झगड़ा सर सारी प्रॉब्लम यही है क्या एक बच्चे को मैंने एथलेटिक्स वाले को ये बोल दिया बेटे अभी गेम लगेगी तो आप है ना थोड़ा आप बाहर करो ठीक है सर तो उसके बाद उस बच्चे ने डिस्कशन करके मोहित सैनी के साथ खड़ा हो गए तो इन आदमियों ने तो कम से कम 10 आदमी इकट्ठे किए हैं फिर हाथ उठाया सर यहाँ ग्राउंड पे मेरे पे सबसे पहले मेरे साथ बहस हुई है सर ठीक है सर और ये आज का काम नहीं है सर डेली का काम है ये पहले भी काम हुआ है ये और ये मोहित सैनी एज ए लीडर है उनका सर मैं बोलता हूँ ठोक के ठीक है सर किस बात को लेकर झगड़ा सर झगड़ा यही होता है क्या हम एक बच्चे को मना
कर देते हैं सर यहाँ पे गेम लग रही है अभी, तो अब बेटा थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद कर लेना, ठीक है, ऐसा मना नहीं करते कि आप ग्राउंड बिल्कुल ही छोड़ दो, सिर्फ हम उसको ये बोलते हैं क्या बॉल ट्रैक पर भी जाते उसको कई बार उसको लेके होती है तो हम उनसे गलती फील करते हैं सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी, तो लेकिन उस बात को छोड़ के तो ग्राउंड में ये रनिंग करते जो मर्जी करे हमें कोई इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके साथ बहस कर दी उसके साथ बहस कर दी दूसरों को उंगली लगा के। एथलेटिक्स के जो प्लेयर हैं उनका इस ग्राउंड पर क्या काम रहता है मैं वो उनका देखो सर ऐसा नहीं है ये हमारा ग्राउंड नहीं है ये एज ए प्लेयर का ग्राउंड है सर ये ठीक है सर हमारा ग्राउंड नहीं है ये नहीं मोहित सैनी का ये सरकार ने दिया हुआ हर एक प्लेयर का ग्राउंड है सर ये लेकिन इस पे झगड़ा करना हमारी बेवकूफी है प्लेयर होके यहाँ वो तैयारी करते हैं इस ग्राउंड पे बिल्कुल करते हैं सर सब करते हैं यहाँ पे वो नहीं एथलेटिक्स वाले नहीं अदरवाइज हॉकी वाले हुआ था झगड़ा वगैरह भी झगड़ा सर इनकी वजह से ही होता है एक बच्चे को मना कर दिया कि अभी गेम लग रही है बेटे थोड़ी देर बाद आप कर लेना उसने आके यहाँ पे बहस की हाथापाई की है मार पिटाई की है उसने कोच को भी उल्टा सीधा गाली एक कोच को भी इन्होंने बोला हुआ है क्या आप प्लेयर हैं फुटबॉल के प्लेयर हैं क्या हुआ था बेटा सर अभी उनसे बात करो जो इनके मेन रीडर थे वो उधर तमाम हम कोच के जरिए ही उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कोच साहब कह रहे थे कि वहां पर लेकर जाएंगे कुछ आउटसाइडर यहां पर प्लेयर आए हैं कौन से आउटसाइडर प्लेयर हैं कोच साहब यहां पर जो आए हुए हैं वो देखो वहां से ना बता दिए सतीश जी वहीं गए हैं तो हम उन प्लेयर्स तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे जो बताए जा रहे हैं कि आउटसाइडर आए हैं आउटसाइडर हैं या प्लेयर हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हम पहले भी देखते आए हैं कि कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं कई बार ऐसी बातें हुई हैं और ये जो लड़ाई झगड़ा आज हुआ है वो बॉल ट्रैक पर जाती है प्रैक्टिस नहीं हो पाती है इन तमाम बातों को लेकर हुआ है तमाम कोचों ने क्या कहा तमाम बच्चों ने क्या कहा जो यहाँ पर खेलने आते हैं वो हमने आपको सुनवाया इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एथलेटिक्स के जो कोच हैं उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे ये ग्राउंड है करण स्टेडियम का यहाँ पर तमाम अलग अलग खेलों के बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं कोई दौड़ से जुड़ा है कोई भाला फेंक से जुड़ा है कोई फुटबॉल से जुड़ा है कोई हॉकी से जुड़ा है कोई बास्केटबॉल से जुड़ा है लेकिन एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं और फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनमें कई बार तनातनी देखने को मिली है और ये तनातनी शायद प्रैक्टिस को लेकर पहले भी हुई है आज क्या बात हुई कोच साहब सर आज अभी इवनिंग सेशन चला हुआ था कंटिन्यू था एथलेटिक्स प्लेयर अपना प्रैक्टिस कर रहे थे फुटबॉल वाले अपना कर रहे थे लेकिन 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा रश हो चुका है ट्रैक पे अभी आगे जो इसको भी अवॉइड करते हैं हम रोकते हैं टोकते हैं बोलता है मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल है मैं फिजिकल के लिए आया हूँ कुछ आउटसाइडर थे जिनका किसी बात को लेकर फुटबॉल वालों के साथ कुछ क्या सुनी हुई है आउटसाइडर दे कोई दिल्ली पुलिस का फिजिकल के लिए बोल रहे हैं उन्होंने आगे फुटबॉल वाले बच्चों के साथ की है तो क्या वैसे सरकार या खेल का क्या नियम बताता है कि आउटसाइडर अलाउ नहीं है जब प्रैक्टिस हो रही होती है सर ये ट्रैक खिलाड़ियों के लिए है कितने भी बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर डिसिप्लिन में आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आउटसाइडर हैं यहाँ पे आगे लड़कियों को भी छेड़ते हैं और आगे टॉन्ट भी कसते हैं कमेंट भी पास करते हैं आते जाते रास्ते में बच्चों को भी रोकते हैं कुछ है परेशान कर रहे हैं हमने ये बात डीएसओ साहब को भी बोली है और आपस में भी हम हर रोज शूट आउट कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह ना होने के कारण कोई भी आ जाता है किसके किसके साथ झगड़ा कर सकते तो फुटबॉल वगैरह भी ट्रैक पर जाती है या वहाँ के बच्चे भी सर ये तो नॉर्मल रूटीन है इसमें इतना ज्यादा नहीं फुटबॉल ट्रैक पे चली जाती है उसको किक करने के बाद वो बॉल ना रुके किसी प्लेयर से तो जा सकती है वो ट्रैक पे है ना उनको वापस दे दिया जाता है उनको बोल दिया जाता है जब तक हम स्पीड वर्क करते हैं थोड़ी देर आप गेम को होल्ड कर लो रोक लो वो रोक लेते हैं सर ये प्रशासन तक बात पहुंचाइए कि कुछ टाइमिंग का एडजस्ट किया जाए एथलेटिक्स वाले भी एडजस्ट कर लें फुटबॉल के खिलाड़ी भी एडजस्ट करें ताकि ये तनातनी रोज की क्योंकि गेम खेलने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो तो फिर कहीं भी जाकर किया जा सकता है फिर तो थाने में जाकर खड़े हो जाएं सर ये रूटीन का मामला है यहाँ पे एथलेटिक्स वाले अपने ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल वाले अपने ग्राउंड में करते हैं जो यहाँ बच्चे रेगुलर आते हैं जो गेम के लिए आते हैं उनमें कभी भी ऐसी कोई नौबत नहीं आती तनातनी नहीं होती जो आउटसाइडर आते हैं जिनको पता ही नहीं है रूल क्या है आपको किस लेन में दौड़ना है या कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है या कहाँ पे आपने कपड़े चेंज करने हैं ये उनके साथ होता है ना जो ग्राउंड रेगुलर बच्चे आते हैं उनके साथ कोई ऐसी तनातनी नहीं है तो ये तमाम बच्चे हैं अलग अलग खेलों के हैं
एक बार किसी से पूछो भाई मैं था लड़ाई में भाई, एक बार बता दो मैं था क्या लड़ाई में कोई नहीं भाई साहब, एक बार पूछो सभी से पूछो ये हमें डाउट कर देंगे भाई था भाई मैं लड़ाई में नहीं था भाई साहब कोई मैं बिल्कुल भी लड़ाई में नहीं था। और ये अगर मेरे को पॉइंट आउट करे तो लोग एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, क्या क्या हुआ क्या था कुछ कुछ हुआ तो नहीं मैं भाई की बात कर रहा भाई 1% भी था भाई 1% नहीं हुआ क्या था हुआ क्या वो क्या रहा था वो यहाँ अनुरोध था थोड़ी बहुत मारे पिटी चली बस इतना देखे हम दूर खड़े होकर देखे बात हाँ बस आउटसाइडर लग रहे थे और कुछ नहीं। क्या हुआ था अभी एथलेटिक्स के हाँ जी हम ऐसा बात कर रहे थे हम लॉन्ग जंप प्लेयर हैं हम अपना इवेंट कर रहे थे वहाँ पे मतलब अपना जंप वगैरह लगा रहे थे तो यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही मारा पिटी हो रही थी तब हमने देखा बताओ तब हमने देखा तो यहाँ पे मतलब भीड़ लग रही थी बस मारा पिटी जो चल रही थी हम उसके बाद में आया उसके मतलब हमें इतना पता नहीं कि क्या हुआ था दरअसल बात क्या थी इतना कुछ वो नहीं क्योंकि हम तो अपना इवेंट कर रहे थे वहाँ पे लॉन्ग जंप का हमें इससे क्या हुआ था बेटा कुछ नहीं हम दोनों बात कर रहे थे आपस में हाथ पाई होगी अचानक पता नहीं कहाँ से किधर से हुई हम दोनों बात कर रहे थे बाहर के थे बच्चे बाहर के थे सारे जी मेरी बात सुनो मेरे को भी बहुत साल हो गए यहाँ पे मेरे को 23 साल हो गए ठीक है मैं सीनियर मेरी बात सुनिए जो आपकी फाइल खुलने लग जाए ना पता आपकी फाइल कितनी बड़ी है हम थे क्या यहाँ पर मैं यूँ कह रहा हूँ आपकी फाइल पता है इतनी बड़ी फाइल अच्छा, आपकी अच्छा। जो खुले ना तो आपकी एंट्री नहीं है यहाँ पे पता आपको वीडियो बना रहे थे ये देखो लो बताओ वीडियो भी बना इसमें इंटरेस्ट क्या आपका वीडियो बनाने में इन्होंने पहले कोचिस को गाड़ी दिया इनकी फाइल उठाओगे अभी बताओ भाई ठीक है आप अपनी गलती नहीं निकालोगे आज क्या हुआ आज सर यही प्रॉब्लम है मैं ये कह रहा हूँ मेरे साथ झगड़ा हुआ है एज ए सीनियर प्लेयर ये तो डेली झगड़ा करते हैं ये डेली है ना डेली इनका यही काम है पॉलिटिक्स करके ये बच्चे लेके आते हैं और यहाँ झगड़ा आउटसाइडर कोई आउटसाइडर नहीं था 99% यहाँ रैंडमली किसी को पूछो भाई साहब मैं था सुनो भाई ना था कौन अब बोल के हमने सिर्फ फोटो खींची हमने कोचिस को गाड़ी निकालना सब ठीक है सीनियर को गाड़ी निकालना नहीं ना यहाँ पर तो बेशक इनको अभी आप जो फाउल डराते हैं लगा ले दो हमें किसी आप प्रूफ दो कि हम थे हम लड़ाई में हमारे फोन को हमारे फोन डिटेल चेक करो आपकी तो आपको कुछ मर्जी करो आपका तो आपकी ग्राउंड हमें नहीं पता कुछ भी आपको तक जानकारी पहुंचाइए डीएफएसओ साहब पहुंच गई है सर वहाँ पे हम पहले जो बच्चा पकड़ा गया था हम उसको डीएसओ ऑफिस में ही लेके गए थे सर ठीक है तो आउटसाइडर नहीं है ना कि वो सामने इनका नाम ले देगा सर आपको झगड़ा किसका ठीक है एथलेटिक्स का लड़का मोहित सॉरी गौरव फिर आपने मेरा नाम क्यों लिया ठीक है वो आपके पास खड़ा था और आपने ही उनको थोड़ा किया था ठीक है मेरी बात सुनिए तो मेरे पास सारे बताओ भाई राय लेना है भाई मेरे पास खड़े था बस आपके पास खड़ा है ना आपके इनके मेरे पास खड़े थे ये भाई मोहित है ना क्या हुआ क्या था ये जो बाहर से बच्चे आते हैं और फुटबॉल इनके साथ आपस में झगड़ा हुआ है और जो ये मोहित है ये मेरे पास था बाहर था ये कोई इसके कोई अलग अलग आरोप लग रहे हैं लेकिन खेल के स्टेडियम को खेल का स्टेडियम समझना चाहिए ना कि अखाड़ा समझना चाहिए। यहाँ पर बच्चे माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं, खेल की तैयारी करने के लिए आते हैं, अलग अलग चैंपियनशिप की तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रोजाना कभी बॉल को लेकर, कभी प्रैक्टिस को लेकर, कभी टाइमिंग को लेकर झगड़ा होता रहता है। आज भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से किसी खिलाड़ी के ऊपर आरोप लग रहे थे, किसी सीनियर खिलाड़ी के ऊपर आरोप लग रहे थे। समझना होगा जो जिला खेल अधिकारी हैं उन तक अगर बात पहुंचती है तो जो आउटसाइडर आते हैं वो अगर यहां पर लड़कियों पर कमेंट कसते हैं या उन्हें गालियां देते हैं या कुछ और बात रहती है उन्हें छेड़ते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन तमाम बच्चों से भी अपील रहेगी कि खेल पर ज्यादा ध्यान दें ना कि लड़ाई पर। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।